आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर इस वीडियो में हम बात करेंगे नई सत्तानवे हज़ार शिक्षक भर्ती के बारे में इसके साथ यूपी टेट परीक्षा और टी जी टी पी जी टी परीक्षा की उत्तर प्रदेश में जो पिछले पाँच वर्षों में जो शिक्षक भर्तियां कराई गई हैं उनमें से भी काफ़ी सारे पद खाली बचते हैं जैसे कि अभी शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था कि जो पिछली भर्ती में से बचे हुए सत्रह हज़ार पद हैं उन पर एक नई शिक्षक भर्ती आएगी और आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीस से इक्कीस लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करेंगे मतलब इतने ज़्यादा आवेदन के लिए तो ये संख्या बहुत ही कम है और इसको लेकर के जो है धरना प्रदर्शन काफ़ी दिन से चल रहा था कि इन सत्रह हज़ार पदों को बढ़ा कर के सत्तानवे हज़ार पदों पर ये नई शिक्षक भर्ती लाई जाए और ये जो इलेक्शन है अभी चुनाव जो होंगे इन चुनावों से पहले ही इस भर्ती को जो है एक विज्ञप्ति जारी कर दी जाए नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया जाए बाकी एग्ज़ाम इसका परीक्षा चाहें इलेक्शन के बाद करा ली जाए इन सबको लेकर काफी दिन से जो है लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया जा रहा था और कल भी ऐसा हुआ कल इन इस धरने का जिस शिक्षक भर्ती सत्तानवे हज़ार शिक्षक भर्ती को लेकर जो अंतिम दिन था इस धरने का वो खत्म हुआ सरकार ने इसमें से कोई भी एक भी बात नहीं मानी सत्तानवे हज़ार शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी इंडिकेशन ऐसा नहीं दिया यानी पूरी तरह से जो धरना प्रदर्शन है इसको नज़रअंदाज किया गया लेकिन कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री के द्वारा यह कह दिया गया था कि सत्तानवे हज़ार पदों पर तो भर्ती नहीं आएगी लेकिन सत्रह हज़ार पदों पर नई शिक्षक भर्ती आएगी लेकिन उसकी जो तारीख़ थी वो भी इन्होंने निश्चित नहीं बताई थी कि इलेक्शन के पहले देंगे उसको नहीं देंगे और ये चीज़ कल तय भी हो गई जिस तरह से कल आचार संहिता लागू हो गई तो अब आज मानिए आप आठ जनवरी से लेकर दस मार्च को मान लीजिए अभी आपके इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे दस फरवरी से जो है इलेक्शन शुरू हो जाएंगे और दस मार्च को इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे अगर आप आज से भी काउंट करते हैं तो आज से लेकर 10 मार्च तक दो महीने होते हैं और जब नई सरकार का गठन होगा उसमें भी विभागों के बंटवारे को लेकर कुछ दिन तक मंथन चलेगा तो मतलब आप मानिए कंप्लीट मार्च अप्रैल या मई में कहीं जाकर के जो शिक्षक भर्तियां हैं या कोई दूसरी जो भर्तियां हैं उन पर विचार किया जाएगा आचार संहिता लगी है अभी इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगली जो शिक्षक भर्तियां वो नहीं आएंगी देखो चाहे इलेक्शन में अभी ये तो कोई नहीं कह सकता कि कौन सी पार्टी जीतेगी अगर यही सरकार दोबारा से फिर से बनती है तो इन्होंने पहले भी कहा है कि सत्रह सत्रह हज़ार भर्ती सत्रह हजार नई शिक्षक भर्ती आएगी तो इतने पदों पर तो ये करेंगे ही लेकिन बात थी सत्तानवे इन सत्रह हजार पदों को सत्तानवे हजार तक लेकर के जाना जो केवल और केवल सरकार पर प्रेशर बनाने से या फिर धरना प्रदर्शन करने से ही वो चीज़ रिजल्ट में आ पाती इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो धरना अभी किया गया था वो संगठित नहीं था अलग अलग जगहों पर किया जा रहा था और उसमें छात्रों की संख्या भी बेहद ही कम थी इनमें से कुछ हजार पांच हजार दस हजार या चार से पांच हजार जो अभ्यर्थी हैं इतना भी अगर विधानसभा पर जिस तरह से ये धरना हुआ है कल परसों में इतने लोग भी पहुंचते तो अच्छा खासा प्रेशर बना सकते थे सरकार पर तो कोई ना कोई अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से फिर आ ही जाता लेकिन ऐसा नहीं हुआ कुछ ही अभ्यार्थी थे जो वहाँ पर डटे रहे और यह भी बड़ी हिम्मत का काम उन्होंने करके दिखाया है कि वो लगभग चौंतीस से पैंतीस दिन तक वहाँ डटे रहे इतने ख़राब मौसम के दौरान भी बारिश सर्दी ऊपर से उसके बाद उनका असफल होकर के वापस लौटना इस धरने का पूरी तरह से समर्थन किया ही नहीं गया था जिसकी वजह से ये विफल हुआ कुछ साल पहले अगर हम देखें तो एक एसएससी सीजीएल को लेकर एक धरना प्रदर्शन हुआ वह धांधली हुई थी तो राकेश यादव सर जो है वहाँ आग आगे आए थे मतलब बड़े संस्थान जो है वो उसको लीड कर रहे थे उस धरने को लेकिन अभी यहाँ देखें इन शिक्षक भर्तियों को लेकर जो बड़े शिक्षण संस्थान हैं इनमें से एक भी नहीं आगे आ गया, गया मतलब इसको पूरी तरह से समर्थन मिला ही नहीं इस भर्ती को इस धरने को तो सरकार को पता है इतने लोगों से होगा ही क्या कुछ दिन धरना करेंगे वापस चले जाएंगे और हुआ भी वैसे ही लेकिन जब नई सरकार बन जाएगी उसके बाद में अभी इनका जो प्लानिंग है प्लानिंग में जो रणनीति है उसमें यही है कि जो भी नई सरकार बनाएगी यहाँ बनेगी यहाँ पर यूपी में तो उससे यही बात रखी जाएगी कि इन सत्रह हज़ार पदों की जगह सत्तानवे हज़ार पदों पर भर्ती निकाली जाए यानी फिर से धरना प्रदर्शन होगा क्योंकि अभी तो हचार संहिता लग चुकी है अब तो ग्रुप में निकलना या एक तरीके से ग्रुप में इस तरह से जो धरने प्रदर्शन है वो अब एक तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे ऐसा नहीं कि खाली ये सत्तानवे शिक्षक भर्ती को लेकर ही Uh, कुछ भी uh, सरकार ने ऐसा जवाब नहीं दिया है और भी भर्तियां हैं जो ऐसे ही हैं तो उन भर्तियों का भी अभी जो है एक तरीके से इलेक्शन के भवर में वो दबी रहेंगी मतलब अभी दो से तीन महीने तक आपको कोई नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा आप ये मान करके चलिए लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आगे जो भर्तियाँ हैं वो आनी ही बंद हो जाएंगी या रुक जाएंगी ये तो चीज़ कभी ख़त्म होने वाली नहीं है कि भर्तियाँ बंद हो जाएँ यानी सरकारी विभागों में हर तरह के जो व्यक्ति हैं हर तरह के पदों पर ज़रूरत होती है रिक्वायरमेंट होती है रिक्तियां भी होती हैं रिटायरमेंट्स होते हैं ठीक है नई वैकेंसीज होती हैं तो ये आएगा बस इलेक्शन की वजह से कुछ समय आपको अब मिल जाएगा दो से तीन महीने का वक्त आपके पास रहेगा तो इस वक्त को आप देखो इसको कैसे आपको यूटिलाइज़ करना है इसमें अभी आप सोच रहे होंगे इतने दिन से तो पढ़ ही रहे थे अब कोई लक्ष्य आगे है ही नहीं तो क्या पढ़ें लक्ष्य यही वाले हैं आगे यही भर्ती आपको इनका कुछ समय डिले हो गया है अभी आपके लिए एक बात हमने पहले भी कही थी अगर कि एक महीने बाद ये शिक्षक भर्ती भी करवा ली जाए तो कितने लोग तैयार होंगे उसके लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाते हैं या तैयारी आपकी कंप्लीट नहीं हो पाती है और जो इस शिक्षक भर्ती को ही मानते हैं अपना आगे टारगेट बनाना या इसी में ही नौकरी करना चाहते हैं इसी को क्रैक करना चाहते हैं तो वो अभी समझदारी से सेल्फ़ स्टडी या कोई भी माध्यम आप चुन सकते हैं इस तैयारी के वो टच में रहेंगे हमेशा और जैसे ही ये नोटिफिकेशन या भर्ती आएगी समय से इस भर्ती में वो सिलेक्शन भी पाएंगे इन भर्तियों को लेकर अभ्यर्थी के हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय सरकार की तरफ से या आ, आयोगों की तरफ से जो आने वाली विज्ञप्तियाँ हैं या नोटिफिकेशन हैं उनका इंतज़ार करने के अलावा ये सब सरकार के मन मुताबिक ही रिलीज होती हैं सारी भर्तियाँ और आपको इंतज़ार करना होता है उस वक्त तक और उस खाली इंतज़ार ही नहीं उसमें अपनी तैयारी को भी लेकर के चलना है ताकि और डिले आपका ना हो सके जैसे ही कोई भर्ती अभी अभी आपके पास तीन महीने का वक्त है मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा आपको कि जो भी भर्ती पहले आएगी अब खाली टीचिंग की नहीं नॉन टीचिंग वाली भी जो भर्तियाँ आएंगी उनके लिए भी आप अपने आप को तैयार करिए और जैसे ही अगली सरकार के बाद कोई नई भर्ती आती है उसके लिए अभी दो से तीन महीने जो मिल रहे हैं इसमें अपने आप को तैयार करके रखिए और जैसे ही उसका एग्जाम होता है एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करेंगे तो सिलेक्शन भी होगा और आप अब आप अगर इस इंतजार में रहते हैं कि भाई पहले नोटिफिकेशन आएगा तब हम सिलेबस देखेंगे तब हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे ठीक है वो चीज़ें तो बहुत बेकार हो जाएंगी वो बहुत पीछे ले जाएंगे आपको सिलेक्शन से ये तो उत्तर प्रदेश की भर्तियों की बात है इसके अलावा जो सेंट्रल की नौकरियाँ हैं केंद्र सरकार की जो नौकरियाँ हैं वो भी आती रहती हैं आप उनमें भी ट्राई करिए खाली एक डायरेक्शन में मत सोचिए मल्टी डायरेक्शनल आपने आपको आप बना करके रखी है अभी और इस बार जो जो शिक्षक भर्ती है ये जो सत्तानवे हज़ार को लेकर अगला जो धरना होगा इसमें सभी लोग संगठित होकर पार्टिसिपेट कीजिएगा ये भर्ती डेफिनेटली सत्तानवे हज़ार पर ही आएगी क्योंकि ये सत्ता पक्ष को भी मालूम चल गया है कि सत्तानवे हज़ार को लेकर डिमांड उठी है भले ही उन्होंने कोई गौर नहीं किया हो ना ही उनको कोई रिप्लाई किया हो स्टूडेंट्स को लेकिन जो विपक्ष में है उनको भी ये चीज़ मालूम है कि सत्तावे हज़ार शिक्षक भर्ती के लिए जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है और जो पूर्व मुख्यमंत्री रहते थे अखिलेश यादव इन्होंने भी, भी कल स्टेटमेंट दिया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा भी गया था कि बच्चे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सत्तावे हज़ार शिक्षक भर्ती को लेकर आपका क्या कहना है इस पर तो उन्होंने कहा था कि धरना प्रदर्शन अब मत कीजिए क्योंकि ये सरकार अभी जो वर्तमान सरकार है ये अपमानित कर रही है स्टूडेंट्स को खुल कल कल उनका ये स्टेटमेंट था तो सरकार ये आए चाहे कोई दूसरी कोई सरकार आए दोनों के सामने सत्तानवे हज़ार को लेकर ही अपनी मांग रखी जाएगी अभ्यर्थियों के द्वारा तो इस चीज़ के लिए तो निश्चिंत हो जाइए कि ये भर्ती आपको भविष्य में देखने को मिलेगी ही मिलेगी लेकिन अपने आप को तैयार करने का भी समय अब आपके पास है इसमें अपने आप को बिल्कुल ऐसे तैयार रखिए कि इस वर्ष 2022 में जो भर्ती आएगी चाहे शिक्षक भर्ती हो चाहे कोई दूसरी और भर्ती हो नॉन टीचिंग की उसमें आप पहले ही अटैम्प में मतलब जो 2022 का पहला अटैम्प्ट होगा आपका पहली भर्ती में जो आप बैठेंगे उसी में ही आपका सिलेक्शन हो जाए भर्तियाँ तो साल दर साल आएंगी ये कभी रुकेंगी भी नहीं सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेजेस कभी बंद हुए हैं क्या कभी रुके हैं क्या ये भविष्य में हमेशा ही चलने वाली चीज़ें हैं लेकिन ये है कि पिछले तीन वर्षों में जो है कितनी भर्तियाँ दी गई हैं तीन वर्षों दो के बाद में अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है फिर से इतने बड़े स्तर पर जबकि पॉपुलेशन अगर आप देखें नंबर ऑफ स्कूल्स देखें प्राथमिक विद्यालय देखें आप यूपी के तो बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है लाखों पदों की अभी नीड है मतलब प्राथमिक में तो ये सब सरकार के हाथ में बात होती है सारी की सारी तो आपको उस सही वक्त का इंतज़ार करना है और इंतज़ार करने के साथ साथ उस तो इंतज़ार को खाली इंतज़ार में मत निकालिए उसमें अपनी प्रैक्टिस करिए अपनी विषयों की जिन विषयों में आपको लगता है कमज़ोर हैं उनको अच्छे करिए जब इस शिक्षा के जगत से जुड़ ही गए हो तो पूरी तरह से इसमें बिल्कुल आप घुल जाओ एकदम डिमोटिवेट करने से अपने आप को आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा आप खुद का नुकसान करेंगे फिर भी किसी और को क्या ही फ़र्क पड़ेगा सही समय सही परिस्थिति के लिए अभी अपने आप को तैयार रखिए आप लोग तैयार नहीं है तो बनाइए अब समय है आपके पास में यूपी की परीक्षा जो आपकी तेईस जनवरी को लगी है इस परीक्षा को लेकर के एक नोट कल जारी किया गया था प्रेस नोट वो शायद फेक नोट था जिसमें ये बात कही जा रही थी कि ये भर्ती जो है मतलब ये यूपीटेट की परीक्षा जो है अपरिहार कारणों से ये स्थगित हो भी सकती है अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि यूपीटेट की परीक्षा भी पोस्टपोन होगी फिर से तो अभी ये तेईस जनवरी को ही डेट लगी है इसकी यू की इसके सेंटर भी अलॉट किए जा चुके हैं और टी का नोटिफिकेशन भी अब मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि चार संहिता भी लागू हो गई है तो भाई इसमें भी टी में भी आपके आने की मतलब भर्तियाँ पूरी मतलब इसमें रिक्तियाँ पूरी जो हैं खाली पड़ी हुई हैं इसमें काफ़ी सारे पद हैं टी जी के एल ग्रेड के खाली हैं इसके अलावा सत्तानवे शिक्षक भर्ती तो है ही तो ये सब भविष्य के लिए आपको अपकमिंग वैकेंसीज हो गई हैं आपके लिए तो इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिए कि कौन सी के लिए आपको तैयार रहना है आनी तो है ही ये भी लेकिन अब आपको दो से तीन महीने का समय मिल गया आप वाकई में बहुत दुखी होंगे सबको इस बात का बहुत दुख है हमें भी तो ये आपके हमारे वश की चीज़ें नहीं हैं ये सब फैसले जो हैं सरकार के होते हैं कि किस विभाग में कितनी नौकरियां निकालनी हैं किसके लिए कितना बजट अलॉट करना है हाँ अगर छात्रों की मांग अभ्यार्थियों की मांग कुछ इस तरह से हो एक ऐसी डायरेक्शन में हो कि वो सरकार से भी अपनी बातें मनवा ले तो ये चीज़ें समय से पहले भी लागू की जा सकती हैं समय से पहले भी ये भर्तियाँ रिलीज़ की जाती हैं लेकिन उसके लिए बेहद संगठित होना ज़रूरी होगा सभी अभ्यार्थियों को और भविष्य में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी ज़रूर अभी आप मुझे बताइए फिर चैनल पर आपको जैसे कि हमने अभी सीरीज़ शुरू ही की थी सुपर टेट के लिए हमने आपसे कहा भी था कि फ्री क्लासेस हम चलाएंगे सारे विषयों को यहाँ कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे सुपर टेट के उस सीरीज़ के कुछ ही लेक्चर्स सबने आपको दिए हैं अगर आप चाहें उनको कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करेंगे नहीं तो अब ऐसे में मन कर ही नहीं रहा है कि आपको अभी आगे कंटिन्यू करें इसको क्योंकि सब लोग अभी यही सोचेंगे कि अच्छा भर्ती नहीं आ रही तो क्लासेस क्यों ले रहे हैं क्यों पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी बैकग्राउंड में अगर थोड़ा थोड़ा आपको मिलता रहे या पढ़ता रहे तो ये टच बना रहेगा आपका विषय इसके सिंपल नहीं हैं छोटे विषय हैं नहीं और बहुत बड़ा मतलब अगली जब ये भर्ती अनाउंस की जाएगी तो इसमें बहुत तगड़ा कॉम्पटिशन होने वाला है ये याद रखिएगा आप उस वक्त आप अपने आप को तैयार कर ही नहीं पाएंगे जो अभी ये बोल रहे हैं ये ऐसी सोच रख रहे हैं इसलिए जितना समय मिल रहा है अपने आप को अलग अलग माध्यम है आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगे आपके पास नोट्स होंगे ठीक है हमारे भी नोट्स हमने आपको जो है टेलीग्राम में दिए थे तैयारी कर लीजिए उनसे भी उनको कंठस्थ कर लीजिए सारे विषयों को जहाँ से आपका मन होता है उस माध्यम से आप स्टडी करिए लेकिन संपर्क में रहिए इस स्टडी के पहले से तैयार कर लेंगे या तैयार रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई आपको नुकसान दे जाएगी प्लानिंग कीजिए अपने विषयों का मैनेजमेंट कीजिए आपको किस तरह से कितने समय में कौन सा विषय तैयार करना है खाली इधर उधर की बातें करने या लिखने से कुछ होने वाला नहीं है सच्चाई यही है जो आप अभी पढ़ लेंगे जो आप अभी तैयार कर लेंगे इन दो से तीन महीनों में वही आपका अपना है और वही आपके भविष्य को भी निर्धारित करेगा क्योंकि ये तीनों जो भर्तियां हैं अगर हम देखें टी जी टी पी जी टी एल टी ग्रेड सत्तानवे हज़ार शिक्षक भर्ती आगे खंड शिक्षा अधिकारी और भी भर्तियां हैं ये सब अपकमिंग है ये आएँगी ही आएँगी इतने पद तो खाली पड़े ही इन विभागों में अलग अलग इस चीज़ की आप अहमियत को जानिए और अपने आप को जो है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लीजिए बाकी चीज़ें अब आप, 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 आपकी समझ पर भी आधारित होंगी क्योंकि जैसी आपकी समझ है या जैसे आप डिसाइड करेंगे वैसे चीज़ें होंगी तो सारी चीजों को आप सकारात्मक रूप में ही लेने की कोशिश करिए क्योंकि आपके हाथ की चीजें कुछ है ही नहीं इसमें सिवाय पढ़ने के अच्छे से तैयारी करने के है क्या कुछ और हाथ में आप सोच करके देखिएगा इस बात को आप तैयारी करेंगे तो इससे आप ही का फायदा होगा इससे दूसरे का किसी का फायदा नहीं होगा आप नहीं तैयारी करेंगे इससे आपका नुकसान होगा किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा के वी एस आगे डी टी प्लस भी हैं इनके लिए भी आप जो है ट्राई कीजिए यह भी तो शिक्षक बढ़ते हैं सेंट्रल लेवल के या अलग अलग राज्यों के तो इस पर थोड़ा सा आपको मंथन करने की ज़रूरत है और इस बात का दुख सभी को है कि इलेक्शन के पहले ये भर्ती नहीं आई कोशिश तो धरना प्रदर्शन जो किए जा रहे थे वो यही कोशिश की जा रही थी कि इलेक्शन के पहले अनाउंसमेंट कर दी जाए घोषणा कर दी जाए कि ये भर्ती आएगी एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता फिर लेकिन ऐसा नहीं हुआ इलेक्शन के पहले अनाउंसमेंट नहीं हुई इस भर्ती के लेकर इस भर्ती को लेकर के ले कोई भी तो इस भर्ती को आप भविष्य में ही ये भर्ती आएगी ही मतलब इलेक्शन के बाद आप मानिए अप्रैल या मई में आप कहिए कि इस भर्ती पर कुछ ना कुछ विचार जरूर होगा क्योंकि ये यूपी की बहुत बड़ी भर्ती है चलिए भाई इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं बाकी यू पी टेट की क्लासेज क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा अभी तेईस को है तो क्लासेस चलेंगे अब आपकी साथ ही कुछ कुछ अगर आप कहेंगे तो सुपर टेट की भी क्लासेस जैसे चल रही थी उनको चलाते रहेंगे हम अगर तेरह विषयों के भी अगर आप लिखना या पढ़ना शुरू करोगे अभी तीन महीने में तब जा करके कहीं वो तैयार होगा आपका सेल्फ स्टडी भी अगर माध्यम चुनते हो तो उसमें इतना समय बहुत आराम से लग जाएगा इससे ज़्यादा ही समय अब फिर ज़रूरत पड़ेगी उसकी तो इनको आप खुद से तैयार करिए जैसे आपको जिस माध्यम से आपको करना है उस माध्यम को चुनिए और पढ़ाई कीजिए बस अपनी चाहे टीजीटी के लिए आप तैयार करिए अपने आपको टी टी की भी भर्ती आने वाली है तो इनको भी नहीं छोड़ना है आपने अपना एक मुख्य विषय जो होगा टी टी का उनको तैयार करिए आप एल के लिए तैयार रहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही इसके साथ ही इस वीडियो का समाप्त करते हैं वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा बाकी मिलते हैं क्लासेस में थैंक यू सो मच